पेंसिल है ना पेन, कि हमारा दो चीजों का इन द सेंस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सॉरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, नाउ मैंने आपको बताया कि अगर मैं येलो कलर को डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लेती हूँ और ग्रीन कलर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेती हूँ, सो यू कैन सी कि अगेन हियर इट इज, दे आर मेकिंग 90 डिग्री. कुछ एटम होंगे जिनके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, स्टिल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस लू तो अभी भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस ही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पोजिशन, ओरिएंटेशन चेंज हो गया. एंड अगेन इट इज अ 90 डिग्री, इट इज मेकिंग 90 डिग्री. अगेन इफ आई एम टेकिंग, अगेन इट इज मेकिंग 90 डिग्री. मतलब अलग अलग एटम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में होगा. एक इस डायरेक्शन में है, एक थोड़ा ऊपर है, ये है, अगेन नीचे है. सो इट इज गोइंग टू मेक 90 डिग्री इन एन वाई जेड प्लेन. अगर एक्स जेड में मैं प्रोपगेशन ले रही हूँ तो वाई जेड प्लेन में अलग अलग ओरिएंटेशन हमको देखने के लिए मिल रही है. हम क्या करते हैं पोलराइजेशन में, उसको एक पोलेरॉइड के थ्रू पास करते हैं, वी पास इट थ्रू अ पोलेरॉइड. ओके, और पोलेरॉइड का एक पर्टिकुलर फिक्स एक्सिस होता है. अब ये पोलेरॉइड क्या करता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स को ब्लॉक करके सिर्फ एक कंपोनेंट को आगे की तरफ पास होने देता है, और वो उसी कंपोनेंट को आगे की तरफ पास होने देता है जो उससे पैरेलल कंपोनेंट्स है. सिर्फ अपने पैरेलल कंपोनेंट्स को वो आगे की तरफ पास होने देता है. एंड देन वी से दैट अवर लाइट इज पोलराइज लाइट. ये जो लाइट है ये पोलराइज लाइट है. देन वी से दैट अ लाइट इज अ पोलराइज लाइट. पोलराइज लाइट का होने का मतलब है कि आपके लाइट को रेस्ट्रिक्ट किया है कि खाली यही लाइट, यही कंपोनेंट आगे बढ़ेगा, बाकी सारे कंपोनेंट को ब्लॉक कर दिया गया. दे हैव रेस्ट्रिक्टेड द कंपोनेंट ऑफ लाइट टू बी फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेन. क्लियर विद द पार्ट. अब मैंने आपको इसमें बताया था कि व्हाट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. मैंने बताया था जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है उसको हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं. और जो उससे परपेंडिकुलर प्लेन होता है, जिसमें जाकर आपका सारा, जिस प्लेन में आपका ये जो पोलराइज लाइट है ये आगे की तरफ बढ़ने वाला है, दैट इज गिवन बाय प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. मतलब अगर ये यहां से ये सारे लाइट्स के कंपोनेंट्स हैं, ये पैरेलल है बराबर, ये सारे के कंपोनेंट यहां से निकले, ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, बट इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा कैसा वाइब्रेट करेगा ऐसा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ये है और लाइट का वाइब्रेशन का प्लेन ये है. सो देख सकते हो कि दिस इज प्लेन ऑफ द पेपर एंड दिस इज योर ऑल पोलराइज लाइट्स. सो इन दोनों के बीच में, दैट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के बीच में 90 डिग्री बनता है हमेशा. दिस इज वॉट वी अंडरस्टूड फ्रॉम पोलराइजेशन. ओके, मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था फॉर एक्सप्लेनिंग दिस पोलराइजेशन कि अगर, ओके लेट्स गो अहेड, थोड़ा लाइन में जाते हैं. This is what we understood about the polarization, कि जब आप सारे electric field को block करके किसी एक electric field को आगे जाने देते हो, you say that the light is polarized. Okay, अब हमने आगे जाके मालूस लॉ के बारे में डिस्कस किया था. मालूस ने इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन निकाला है कि अगर कोई लाइट पोलराइजर से पास हो रही है तो वॉट विल बी इट्स इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी. ओके, नाउ हमने दो तरीका लिया था. पहला तरीका मैंने क्या कहा था कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड. हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंसीडर करते हैं विच इज गिवन बाय, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन, इट इज एन वेव एंड इट इज ऑसिलेटिंग, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ई इज इक्वल टू ई नॉट के एक्स माइनस ओमेगा टी. दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एंड ऑफ कोर्स दिस इंटेंसिटी is related to this particular amplitude. You know that intensity is directly proportional to amplitude ka square. Okay? Now what we are going to do, ki hum ek aisa electric field lenge jo mere pehle polarizer se, agar mera samjho, if I am considering this first polarizer, mere aisa electric field ka component liya jo mere is polarizer ke axis se ek angle phi banata hai ya ek angle theta banata hai. Mera electric field is polarizer ke axis se ek angle phi ya theta banata hai. तो मैंने आपको बताया कि अगर मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है
जो इस एक्सिस से एक एंगल फाई बनाता है, तो आगे की तरफ जो सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट होगा वो पास होगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक एंगल पे रख दिया है, ओके अगर ये मेरा लेट अस से ये मेरा पोलेरॉइड है, ये स्ट्रेट एक पोलेरॉइड है, लेट अस कंसीडर लाइक दैट, एक पोलेरॉइड है, दिस इज माय पोलेरॉइड, पोलेरॉइड्स आर मोस्टली मेड फ्रॉम प्लास्टिक शीट्स या फिर टर्मिनल क्रिस्टल्स, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स से बनाए जाते हैं, ये मेरा पोलेरॉइड है। मैंने क्या किया, मैंने कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड ली है जो मेरे पोलेरॉइड के एक्सिस से एक एंगल फाई बनाती है, इट मेक्स एन एंगल फाई, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट को बाहर की तरफ निकलने देगा जो उससे पैरेलल होगा। और हमने ये चीज देखी थी कि इट वाज ई नॉट, अगर मैं एम्पलीट्यूड से कंपेयर करूं, मैं ये बोला अमन कि ये जो पोलेरॉइड्स होते हैं ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स से बनाए जाते हैं, दे आर टॉर्मेलिन क्रिस्टल्स, निकल क्रिस्टल्स, अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं जिससे ये पोलेरॉइड्स बनाए जाते हैं, इनका फिनोमिना ही रिफ्लेक्ट करने का अलग होता है, ये बिल्कुल अलग, जो इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो क्या लाइट के पूरी तरीके से लाइट को वो ब्लॉक कर देते हैं, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट को ही आगे की तरफ पास करने देते हैं। ओके नाउ व्हाट, लेट्स गो अहेड। अब आपको पता है कि हमारा जो इंटेंसिटी बाहर की तरफ दिखने वाला है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय ई नॉट। ओके So, ये पोलेरॉइड क्या करेगा, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ और सिर्फ E नॉट कॉस फाई कंपोनेंट को आगे जाने देगा, ओके और E नॉट साइन फाई के कंपोनेंट को वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। मैंने आपको इस चीज के लिए एक डायग्राम दिखाया था पिछले साल का, जिसमें हमने देखा था कि व्हाइट इज ब्लॉकिंग द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इसके दीवार से जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से डैम्पिंग हो जाती है और आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसमें से पास नहीं हो पाता, सिर्फ पैरेलल वाले ही आराम से निकल जाते हैं, उनके एम्पलीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ व्हाट, सिर्फ E नॉट कॉस फाई को आपके पास आउट करने वाला है। अगर आप ऑन एन एवरेज देखो कि ये फाई जो एंगल बनने वाला है इस एक्सिस से, इस फाई का रेंज जो है ऑन एन एवरेज 0 to 180 जाता है, तो अगर आप E नॉट, आपको पता है योर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस एम्पलीट्यूड, करेक्ट, सो E नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अगर आप cos square 5 का एवरेज निकालो कि ऑन एन एवरेज टोटल कितना इंटेंसिटी आपको मिलने वाला है यहाँ पे, तो यू विल फाइंड दैट योर इंटेंसिटी विल बी ऑन दिस साइड, योर इंटेंसिटी विल बी I इज इक्वल्स टू E नॉट स्क्वायर बाय 2, मतलब आपके एम्पलीट्यूड के हाफ इंटेंसिटी आपको बाहर की तरफ मिलने वाली है। हेलो मिस, नाउ व्हाट, अब दूसरा तरीका हमने क्या देखा था कि वी आर कीपिंग टू पोलेरॉइड्स, एक पोलेरॉइड रखा, This is our first polaroid, और दूसरा polaroid रख रहे हैं। Starting में मैंने इसको दोनों को parallel रखा हुआ है, दोनों के axes are parallel, ठीक है? यहाँ से मैंने एक unpolarized light pass किया, I have passed some unpolarized light. अब जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करो, if this is my first polarizer और polaroid, इसको कभी कभी analyzer भी बोला जाता है, इस second polaroid को analyzer, क्योंकि analyze करने के लिए इसको use करते हैं। So this is my second polaroid or analyzer. अब क्या होगा, ये first polaroid क्या करेगा, बाकी सारे components को ये block करेगा और सिर्फ एक electric field को जो इससे parallel है उसको pass करेगा। सौरभ यहाँ पे देखो, हम ये जो phi है, this phi that is making an angle with the axis, ये फाई का अगर मैं ऐसे एक फाई एंगल के इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रही हूं, तो बहुत सारे ऐसे एंगल्स होंगे जो फाई एक पर्टिकुलर अमाउंट बनाएंगे, सो इसका रेंज क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक, इस फाई का रेंज क्या होगा, ये कहां से कहां रेंज करेगा, इसका रेंज क्या होगा इस पर्टिकुलर फाई का, दैट विल बी 0 to 180 इस तरीके से, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इस ये जो कॉस फाई है इसको निकालने का तरीका है कि ऑन एन एवरेज आपका कॉस फाई कंपोनेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करने वाला है। ओके आपको पता है कि इफ यू आर डिवाइडिंग योर टू कंपोनेंट्स, एक सिंपल सा तरीका भी है समझने का कि अगर आपने किसी चीज को एक एंगल में लिया है, ओके ये इसका कॉस फाई कंपोनेंट हो गया और ये इसका साइन फाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है, आधा पार्ट यहाँ चला जाता है, आधा पार्ट यहाँ चला जाता है, सो ऑन एन एवरेज ओनली हाफ पार्ट इज कंट्रीब्यूटेड टू द रिजल्टेंट, ठीक है, सो ये एवरेज निकालने का तरीका है।
ये एवरेज निकालने का रेंज है कि इस पाई का मिनिमम कहाँ से आप एंगल शुरू कर सकते हो और ये पाई को कहाँ तक आप रेंज करवा सकते हो. सो मिनिमम टू मैक्सिमम आपका पाई, इट्स एन जनरल इक्वेशन कि मिनिमम कहाँ से कहाँ तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कितने एंगल में इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हो. अगर आपने एक एंगल पाई बोल दिया तो वो पाई का ये पाई एक हो सकता है, दूसरा एक ये हो सकता है, तीसरा एक ये हो सकता है, चौथा एक ये. तो ये पाई का रेंज कहाँ से कहाँ तक का है? 0 से 180 तक का है. तो आप ऑन एन एवरेज देखने जाओ 0 to 180 में ये cos per pi कितना एवरेज वैल्यू दे रहा है. सो यू विल फाइंड इट इज हाफ. ये मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर समझाते समय ये पार्ट मैंने आपको समझाया है इन JEE कि हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस. यस हटेगा तो क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो के एक्चुअली मिलेगा क्या? प्रोपोर्शनैलिटी हटने के बाद ना यू डायरेक्टली गेट अ डायरेक्ट इक्वेशन, मतलब आपको ऐसा ही कुछ मिल जाता है डायरेक्ट. आप इसको इंट्रोड्यूस, इसको आप हटाकर, देयर आर मेनी फैक्टर्स जो और भी इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है, बट अगर आप इंटेंसिटी से इंटेंसिटी कंपेयर करते हो यू डायरेक्टली गेट द मालूस लॉ. यू डायरेक्टली गेट द मालूस लॉ सेम ही आएगा. हाँ ओके ये चीज हमने पीछे भी प्रूव की है. आई थिंक हम आगे इसको प्रूव करेंगे, ये इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रिलेशन को हम आगे शायद प्रूव करेंगे. ओके इट्स देयर इन योर सिलेबस. ओके सी अगर तुमको ये चीज नहीं समझिए, सिर्फ इतना समझो कि ये जो मैंने फाई लिया है ये फाई का रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फाई, कहाँ से कहाँ तक ये रेंज करेगा, 0 to 180 फ्रॉम द एक्सिस. सो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे, इस cos square phi का आप एवरेज निकालोगे कि ऑन एन एवरेज ये cos square phi का कितना कंपोनेंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूशन देने वाला है, तो इट विल बी हाफ, क्योंकि हाफ तो sin phi में चला जाएगा, बचा हुआ हाफ आपके इंटेंसिटी को रिजल्ट देने वाला है. समझ में आ रहा है? अगर ये cos square phi नहीं होता, इफ इट वॉज वन, अगर ये वन होता पूरी तरीके से तो आपका जो फील्ड है ये पैरेलल होता एंड थीटा विल बी जीरो. तो आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा का पूरा cos square phi, अगर ये phi जीरो होता, और cos of जीरो क्या होता है, वन, मतलब अगर दोनों एक्सिस के बीच में एंगल वन होता, अगर एंगल वन होता तो आपको पूरा का पूरा इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस एम्पलीट्यूड मिलता. तो ये cos square phi ये बता रहे हैं कि अगर आपने एक एंगल पे लिया है और अगर आप एंगल का एवरेज निकालो कि अगर आप किसी भी एंगल के इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहे हो तो ऑन एन एवरेज वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा. क्लियर? दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. इतना ही फिलहाल समझने की कोशिश करो. नाउ यहाँ पे दिस इज फर्स्ट पोलरॉइड, दिस इज सेकेंड पोलरॉइड. फर्स्ट पोलरॉइड का एक्सिस से जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो बाहर की तरफ जाएगा. लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, जिसका इक्वेशन इज गिवन बाय ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी. ओके ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है इसका ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अगर ये सेकेंड पोलरॉइड, सॉरी अगर ये सेकेंड पोलरॉइड इससे पैरेलल है तो आराम से ये जो भी इंटेंसिटी है बाहर की तरफ निकल जाएगी और हमको सेम इंटेंसिटी दूसरे पोलरॉइड के साइड भी मिलेगी, क्योंकि इसने किसी चीज को ब्लॉक ही नहीं किया. ऑल कंपोनेंट्स आर पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और टू दिस पोलराइजिंग एक्सिस, दैट इज पोलराइजिंग एक्सिस ऑफ द सेकेंड पोलरॉइड. अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मिस एक काम करती हूँ, मैं फर्स्ट पोलरॉइड को ना रोटेट कर देती हूँ. I'll rotate first polaroid. अब अगर आप first polaroid को rotate भी करते हो तो भी एक component तो ऐसा है ना जो इसके साथ parallel बाहर निकलने वाला है. So again you will get a polaroid slide. But यहाँ पे अगर आपने यहाँ पर इस second polaroid को ऐसे ही रखा तो अब ये सारे के सारे component को आगे जाने देगा? नहीं, सिर्फ जो component इससे parallel होगा उसी component को वो आगे जाने देगा, बाकी सारे कंपोनेंट को वो रोक देगा. मतलब अब यहां पर आने के बाद, यहां पर आने के बाद ये सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट को आगे जाने देगा. समझ में आ रहा है? मतलब इसकी इंटेंसिटी अगर यहाँ पर, प्लीज कुछ समझा रही हूँ ध्यान से समझो, अगर इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर आई वन है तो यहां पर जाने के बाद इसकी इंटेंसिटी आई वन बाई टू ही रह जाएगी, इसकी हाफ ही इंटेंसिटी यहाँ पे पहुंचेगी. समझा? इसकी हाफ ही इंटेंसिटी यहाँ पे पहुंचेगी क्योंकि ये सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट को ही आगे क्रॉस करने देगा, sin थीटा कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा, आधे कंपोनेंट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा. सो इसकी जो नई इंटेंसिटी आएगी दैट विल बी I2 इज इक्वल टू I1 बाय 2. इसकी हाफ ही इंटेंसिटी मुझे ये साइड देखने के लिए मिलेगी. अब मैं क्या कर रही हूँ, ये तो एक केस हो गया. दूसरा केस में क्या कर रही हूँ, फर्स्ट पोलराइजर को मैं कुछ नहीं करती,
कीप इट लाइक दैट. मेरा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आपको पता है कि मैं अगर टेढ़ा भी करूं तो भी एक अमाउंट तो आगे पास होने ही वाला है. ये मेरा लाइट पास हुआ. अब मैं सेकेंड पोलराइजर को घुमाते जाती हूँ. आई विल रोटेट इट. मैंने पहले थोड़ा सा 30 डिग्री रोटेट किया. आपको पता है कॉस ऑफ 30 कंपोनेंट बाहर जाएगा. 40 डिग्री किया, 45 डिग्री किया, 90 डिग्री सॉरी 60 डिग्री किया, 70 डिग्री किया. जैसे ही 90 हो जाएगा इसका और इसका एक्सिस पूरी तरीके से पैरेलल हो गया. अब यहाँ पे आपको जीरो इंटेंसिटी मिलेगी क्योंकि कॉस ऑफ 90, कॉस स्क्वायर ऑफ 90 क्या होता है, जीरो. तो अगर ये पोलराइज इससे पूरी तरीके से परपेंडिकुलर हो गया, ये एक्सिस ऐसा है और पोलराइड का एक्सिस ऐसा है, तो ये बिल्कुल इंटेंसिटी को बाहर निकलने देगा नहीं. सो दिस इज व्हाट इज मालूस लॉ एक्सप्लेनिंग कि थीटा पे आपकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है क्योंकि आपकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. उसने बोला पहले पोलराइड से आई एम गेटिंग इंटेंसिटी एस I1 इज इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर. ओके, देन उसने बोला कि I2 इफ I2 इज एट सर्टेन, इफ सेकंड पोलराइड इज एट पर्टिकुलर एंगल थीटा विद दिस पोलराइज लाइट, अगर सेकेंड पोलराइड इस पोलराइड से या इस पोलराइजिंग लाइट से किसी एक एंगल थीटा पे है, इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा है, सो सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट विल रिजल्ट इनटू I2. ओके, नाउ वी नो दैट I1 इज इक्वल टू E0 स्क्वायर, सो यू गेट द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटीज I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा. I2 is equals to I1 cos square theta. And this is your malus. समझ में आया? समझे सबको? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? या आगे की तरफ बढ़े? जरा एक काम करते हैं, उसके बाद ब्रिस्टल्स लॉ पे जाते हैं. Let us go ahead with the sum. बुक खोलो और जो जो बोलते जा रही हूँ ध्यान से समझते जाओ. एक अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I0 है, ठीक है, इज मेड थ्रू थ्री पोलराइजर्स, तीन पोलराइजर्स से पास P1 P2 ब्लर ज्यादा है यहाँ पे. मैं दे आर मीटिंग, यस, इज इट ब्लर्ड? यस मैम, आपका आवाज कट रहा है, लैग भी हो रहा है वॉइस. हेलो, आपकी क्या आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? बोलो. आपकी आवाज कट, मैम स्क्रीन लैग हो रही है बहुत ज्यादा. अच्छा ठीक है अब मैं आराम से जाती हूँ. फर्स्ट मैंने क्या बोला कि एक अनपोलराइज लाइट लेते हैं जिसकी इंटेंसिटी इज I0, ठीक है. इस अनपोलराइज लाइट को मैं तीन पोलराइजर से पास करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू पास देम थ्रू थ्री पोलराइजर, P1, P2, P3, ठीक है. नाउ व्हाट इट इज सेइंग, द पोलराइजर एक्सिस ऑफ P2 मेक्स एन एंगल θ1 विद P1. वो बोल रहा है कि ये जो पोलराइजर एक्सिस है P2 का, वो P1 के साथ θ1 एंगल बना रहा है, ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द पोलराइजर एक्सिस ऑफ P3 मेक्स एन एंगल θ2 विथ P2. समझा? एक I0 इंटेंसिटी के पोलराइज लाइट को हम इसमें से पास करने वाले हैं. P2 P1 के साथ एक θ1 बना रहा है, P3 P2 के साथ एक θ2 बना रहा है. ओके, हम लोगों को बताना है कि what will be the intensity that we will get after passing from. सोचो जरा क्या कर सकते हैं. हेलो मिस. बोलो मिस, आपने क्या पूछा? बोलो what is the intensity after passing from P3? ट्राई करूं मिस? हाँ ट्राई करना है, सब लोग ट्राई करना स्टार्ट करो. सोचो क्या कर सकते हो.
व्हाट यू कैन डू. हेलो मैम. बोलो मैम, एक वापस बताओ, आपका आवाज तभी बहुत ज्यादा हो रहा था ब्रेक. एक अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, ठीक है, वो P1 से पास. देयर आर थ्री पोलराइजर्स, P1, P2, P3. P2 जो है वो P1 के साथ, P2 का जो पोलराइजिंग एक्सिस है वो P1 के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है. P3 जो है वो P2 के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है. तो जब ये लाइट P3 से क्रॉस हो जाएगी तो व्हाट विल बी, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी यू विल गेट, वो फॉर्मूला आपको निकाल के देना है मुझे. मिस, हेलो. हाँ बोलो. मिस, I3 cos square theta 1 cos square theta 2. थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, बाकी सब करेक्ट है. थोड़ा सा कुछ है जो आप लोग ने आपने ध्यान नहीं दिया. यस मिस, I1 I2 I3 cos square theta 1 cos square theta 3 2. थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है. थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट. एक अनपोलराइज लाइट है. मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि जब भी, इफ दिस इज अ पोलराइड, यहाँ पे मेरा एक अनपोलराइज लाइट है. अब आपको वो कॉस स्क्वायर थीटा जो मैं बोल रही थी ना, वो 0 to 180, उसका मीनिंग समझेगा कि मैं क्या बोल रही थी. उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. एक ये पोलरॉइड है P1. ऑफ कोर्स दिस पोलरॉइड इज नॉट मेकिंग एनी एंगल थीटा, बट एक बात समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल पे है इससे, उसका भी एक कंपोनेंट आगे की तरफ पास होने वाला है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा ही क्रॉस हो जाएगा, पूरा ही जाएगा, पूरा ही जाने वाला है. बट दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जरा, ये वाला, ये इसके एक्सिस से पैरेलल नहीं है, बट इसका एक कंपोनेंट इसके एक्सिस से पैरेलल होगा. अब आपको वो कॉस स्क्वायर पाई वाला कंसेप्ट समझ में आएगा. मतलब बाकी सारों का, ये जो बाकी के सारे हैं, उनका जो एक एंगल थीटा पे है इस इसके साथ, उसका कॉस स्क्वायर कंपोनेंट आगे की तरफ बढ़ेगा. क्योंकि कॉस स्क्वायर कंपोनेंट हर एंगल का, सिर्फ ये 90 डिग्री छोड़ के, ये 90 डिग्री छोड़ के बाकी सारे थीटा का कॉस स्क्वायर फाई आगे बढ़ने वाला है. और वो कॉस स्क्वायर फाई का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक का होगा, इट विल बी फ्रॉम 0 to 180. जीरो पे इट विल बी टोटली 1. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ. मैं वो cos square phi जो मैं आपको बोल रही थी ना, जो आप बोल रहे थे कि मिस ये समझा नहीं, वो समझा रही हूँ आपको यहाँ पे. कि आपके दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट्स पास होगा, तो इसका भी, ये जो है, ये जो एक एंगल phi पे है इस एक्सिस के साथ, इसका भी तो दो कंपोनेंट बनेगा, sin theta एंड cos theta. तो इसका cos theta कंपोनेंट आगे की तरफ जाने वाला है. और उस cos theta का क्या रेंज है, कहां से कहां तक, ये cos theta होगा, इसके बाजू वाला एक cos theta होगा, उसके बाजू वाला एक cos theta होगा, उसका पूरा रेंज 0 to 180 जाने वाला है. एवरेज हाफ आएगा. तो आप अगर उसका एवरेज निकालोगे तो एक्चुअली में जो फर्स्ट पोलराइजर के साथ पास जो इंटेंसिटी जाएगी, जो क्रॉस होगी, ये जो इंटेंसिटी होगी, दैट विल बी I1 विल बी, इफ इट, इफ दिस इज I0, इट विल बी I0/2. बिकॉज इट विल बी I0 cos square theta. Cos square theta का जो रेंज होगा यहाँ पर, कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? अभिषेक कुछ समझा? यस मैम समझा. अभिगेल कुछ समझा? हाँ मैं समझा. क्या समझा, जरा समझाओ, जरा के समझाओ, जरा क्या समझा? मैं इसके वो जो cos square, वापस बोलो आप, मैं भूल गई. ओके फाइन, पता था मुझे. आकांक्षा, अश्विनी, यस मिस, कुछ समझ में आ रहा है आकांक्षा कि ब्लॉक हो गए हो? नहीं समझ रहे. नहीं समझ रहे या समझ रहे?
नहीं समझ रहा है, समझा है, समझा है, समझा 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 हाँ समझाएगी मुझे क्या हो रहा है ये. मैंने ये आई नॉट बाई टू, ये पी वन के थ्रू जो आई वन आया तो आई नॉट बाई टू क्यों लिया, समझा समझा जब वो पोलराइड से पास होगा तो कॉस जिस जो भी है कंपोनेंट्स उसके पैरेलल मतलब पोलराइजिंग एक्सिस से पैरेलल वो ही पास होता है, तो इसीलिए आई नॉट बाई टू लिया, ओनली कॉस कंपोनेंट्स पास होता है. और कॉस का वैल्यू अगर जब हम एवरेज निकालेंगे तो 0 to 180 हाफ आ जाएगा, तो आई नॉट बाय टू. ओके अश्विनी, अश्विनी यस मैम, यस मैम, मुझे जरा समझा सकते हो कि वो कॉस का कंपोनेंट हम लोग 0 to 180 क्यों ले रहे हैं, व्हाई वी आर टेकिंग इट 0 to 180. मैम उसका फिर वो हाफ हो जाएगा ना, वो हो जाएगा वो बात का बात है, बट ले क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर टेकिंग 0 to 180. मैं तो 0 to 360 भी ले सकती थी ना, 180 क्यों, व्हाई एम टेकिंग 0 to 180. मिस स्क्रीन ऊपर करना प्लीज. रीजन समझो 0 to 180 लेने का. यहाँ पे दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, ये अगर मेरा पोलराइड ऐसा कुछ रखा है, दिस इज माय पोलराइड, दिस स्केल इज माय पोलराइड, ठीक है. एक एटम होगा जो इस स्केल के एक्सिस से पैरेलल होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है. एंड दिस एंगल इज जीरो, इसका ये एंगल जो होगा, इन दोनों के एक्सिस का एंगल कितना होगा, जीरो, बिकॉज दे आर पैरेलल. एक कंपोनेंट देखो क्या होगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, अब इसका अब एक एंगल थीटा पे है ये, दिस इज एट एन एंगल थीटा, क्या आपका आपका एक्सिस कहाँ पर था, आपका एक्सिस यहाँ पर है, ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है. अगर आप इसके और इसके बीच में देखो, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो, अभी भी ये प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर है, बट आपके एक्सिस से इसने एक एंगल थीटा बना दिया है, बट मेरे एक्सिस से सिर्फ कौन से कंपोनेंट पास हो सकते हैं, जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं. अब ये जो एंगल थीटा बना रहा है मेरे एक्सिस से, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक होगा कॉस थीटा कंपोनेंट जो बाहर की तरफ आएगा, एक होगा कॉस थीटा कंपोनेंट जो इस एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और एक होगा साइन थीटा कंपोनेंट जो बाहर की तरफ आएगा. कॉस थीटा को तो ये पास, साइन थीटा को तो ये पास होने देगा नहीं, सिर्फ कॉस थीटा को आगे जाने देगा. दूसरा एक एंगल लिया, तीसरा एक एंगल लिया, चौथा एक एंगल लिया, अब ये 90 डिग्री पूरा 90 डिग्री हो गया, अब ये तो नहीं पास होने वाला. मतलब एक बात समझ रहे हो कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जिनका कॉस थीटा कंपोनेंट, जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल विद दिस. एक होगा थोड़ा इतना एंगल बनाया है, दूसरा होगा थोड़ा और, तीसरा होगा थोड़ा और, चौथा होगा थोड़ा और, पांचवा होगा थोड़ा और, छठवा होगा थोड़ा और. मतलब दिस इज मेकिंग एन एंगल फाइ विथ दिस माई एक्सिस. तो ये कंपोनेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कॉस कंपोनेंट आगे बढ़ने वाला है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसने एंगल एक दूसरा एंगल बनाया, इसका भी कॉस कंपोनेंट आगे बढ़ने वाला है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर है, इसका कोई कंपोनेंट आगे नहीं बढ़ेगा. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने भी एक एंगल मेरे इस एक्सिस से बनाया, इसका भी कॉस कंपोनेंट आगे बढ़ेगा. दूसरा जो है, इसका भी कॉस कंपोनेंट आगे बढ़ेगा. मतलब मेरे कॉस थीटा का रेंज कहां से कहां जाने वाला है, उसके उसका रेंज कहां से कहां आएगा, एक जीरो का होगा, एक 30, 40, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इट विल गो फ्रॉम 0 to 180 फॉर दिस एक्सिस. तो ये जो हम 0 to 180 ले रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अगर एक अनपोलराइज लाइट है तो हर एंगल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो एंगल मेरे एक्सिस से 0 to 180 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो मुझे सबका एवरेज लेना पड़ेगा. जब आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, आप सिंपली क्या करते हो, आप उसका एवरेज ले लेते हो. थोड़ा सा अगर आपके पास 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है, तो आपको किसी ने पूछा कि ऑन एन एवरेज कितना जाएगा ये, तो आप सिंपली क्या करते हो, सारा लेके उसका टोटल नंबर से डिवाइड करते हो, और आपको तो ये एवरेज क्वांटिटी है. समझ में आ रहा है? सो पहले पोलराइजर से जो इंटेंसिटी आगे की तरफ बढ़ने वाली है, दैट विल बी आई नॉट बाई टू. अब दूसरे पोलराइजर से क्या होगा, दिस वॉज योर फर्स्ट पोलराइजर का इंटेंसिटी,
तो पी वन से तो आई नॉट बाई टू आगे बढ़ने वाली. अब ये पी टू जो है ये ऑलरेडी एक्सिस से एक एंगल थीटा बनाता है. सो व्हाट विल बी आई टू? आई टू इज इक्वल टू आई वन का आई वन कॉस स्क्वायर थीटा वन. ठीक है. आई थ्री जो है वो थीटा थ्री एंगल बनाता है किसके साथ? पी टू के साथ. आई थ्री विल बी आई टू कॉस स्क्वायर थीटा वन, सॉरी थीटा टू. आई टू क्या था हमारा? आई टू का क्या था हमारा? आई टू इज आई वन कॉस स्क्वायर थीटा वन कॉस स्क्वायर थीटा टू. और आई वन क्या था हमारा? आई नॉट बाई टू. सो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा वन कॉस स्क्वायर थीटा टू. दिस इज द आंसर. This is the intensity which you will get after P3. समझ में आया कुछ? कुछ समझा सबको? मैम एक बार ऊपर लो ना. जरा ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करो मैंने क्या समझाया. कि why I am taking cos of cos from 0 to 180. ध्यान से समझो, ध्यान से सोचो कि ये मेरा पहला पोलरॉइड से मैंने क्यों I not by 2 लिया सिर्फ. पहला पोलराइड के बाद ये आपको सम आता है इनजेडबली. आपको वो बहुत सारे पोलराइजर्स अरेंज कर देते हैं और बोलते हैं फोर्थ पोलराइजर से क्या वैल्यू आएगी बताओ. व्हाट विल बी द इंटेंसिटी फ्रॉम द फोर्थ पोलराइजर? काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये एंट्रेंस एग्जाम्स का. तो आपको दिमाग में पहला रखना है कि फर्स्ट पोलराइजर से बहुत सारे कंपोनेंट्स क्रॉस होने वाले हैं. ये पैरेलल वाला तो क्रॉस होने वाला ही है. ये जो एंगल वाला है उसका भी कॉस कंपोनेंट पास होगा. ये जो दूसरा एंगल वाला है उसका भी कॉस कंपोनेंट पास होगा. और अगर मैं कॉस कंपोनेंट का पूरा एंगल देखूं ऑन एन एवरेज निकालूं कि कितना पूरा इसमें से पास होने वाला है तो यू विल फाइंड दैट कि कॉस का जो वैल्यू है इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 180. कॉस का कॉस थीटा का 0 से 180 कॉस कंपोनेंट आगे जाने वाला है. जब आप उसका एवरेज निकालोगे यू विल फाइंड इट इज हाफ. मींस फर्स्ट पोलराइजर से आपको आई वन इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू का कंडीशन मिलेगा. उसके बाद आप थीटा इंट्रोड्यूस करते जाते हो आगे जाते वक्त. कुछ क्लिक हो रहा है? समझा? शुड वी गो अहेड? आगे बढ़े? हाँ मिस. ओके. होप आपको वो कॉस स्क्वायर थीटा समझा. क्या समझाने की कोशिश कर रही थी? मुझे लगा कि इस एग्जांपल से शायद आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई वी आर टेकिंग कॉस स्क्वायर फाई फ्रॉम 0 टू 180. ये जो हाफ वाला मैंने कंडीशन आपको समझाया वो क्यों समझाया? इसीलिए समझाया कि आपको समझ जाए कि cos square phi क्यों इंट्रोड्यूस किया मैंने. ऐसा आपको पहला एग्जांपल ऐसा क्यों लिया कि let us consider an electric field which is making an angle theta with the axis. Because भले वो किसी भी एक एंगल पे हो, अगर वो किसी एक एंगल पे है तो भी cos theta component तो वो आगे पास करने ही वाला है parallel axis के साथ साथ. समझा? So let's go ahead with the Brewster's law or polarized by reflection. का यूज आप अपने क्लासेस में तो बहुत सारे वॉच करते हो, मोबाइल में करते हो. मुझे बालाजी ने पूछा था कि मिस अगर मैं वॉइस इज ब्रेकिंग. मैम वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, लेट्स गो अहेड. सो वी आर गोइंग टू सी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. This is a process by which you can polarize the light with the help of a reflection process. अब reflection का phenomena use करके आप light को polarize करते हो. ये phenomena आपके sunglasses में use की जाती है, आपके जो specs हैं उनमें use की जाती है, आपका जो mobile phone और watches होते हैं उनमें use की जाती है. So by reflection you used to go for the polarization. आप light के components को block करते हो with the help of a reflection process. Okay. Miss, दोनों same ही दिखता है क्या? क्या same दिखता है? Light. Light तो हर जगह same होती है. What मतलब समझा नहीं मुझे question. मतलब unpolarized light और polarized light दोनों same ही दिखता है क्या? उसकी unpolarized light की intensity बहुत ज़्यादा होगी. Polarized light की intensity कम होगी. That's all. ये polarization किया ही इसलिए जा रहा है. पूरी तरीके से नहीं बोल सकते बट स्टिल ट्राई किया जाता है उसको पोलराइज बनाने मैक्सिमम. हाँ ओके. सो
एक बात समझने की कोशिश करो, पोलराइजेशन इज ऑल रिलेटेड टू इंटेंसिटी. इंटेंसिटी को कम करने का जो तरीका होता है दैट इज व्हाट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ योर लाइट. ओके, जब आप सनग्लासेस वगैरह पहन के बाहर निकलते हो, आपका सनग्लासेस क्या काम करता है? आपका सनग्लासेस जो लाइट की इंटेंसिटी आपकी आंखों पे आने वाली है उसको वो कम कर देता है, मतलब वो पोलराइज कर देता है. वो लाइट के बहुत सारे कंपोनेंट्स को ब्लॉक करके एक सिंगल कंपोनेंट को आगे की तरफ बढ़ने के लिए हेल्प करता है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज पोलराइजेशन, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग टू यू, दैट्स ऑल. ओके, सो देयर आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच यू कैन गो फॉर पोलराइजेशन. फर्स्ट वे इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. ये कैसे किया जाता है जरा ध्यान से देखो. समझो देयर इज एन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे कि आपका स्पेक्स हो गया, ठीक है. यहां से एक लाइट इंसिडेंट हुई, मैंने क्या किया है, इस लाइट के सिर्फ दो कंपोनेंट्स लिए हुए हैं. ये जो इंसिडेंट लाइट है इसके दो कंपोनेंट्स लिए हुए हैं. एक कंपोनेंट जो होगा इसका, इस लाइट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स मैं कंसीडर कर रही हूं. मैं बताती हूँ ब्रिस्टल्स लॉ क्या है, वी आर कमिंग टू दैट, वेट. ओके, ये जो इंसिडेंट लाइट मैं कंसिडर कर रही हूँ इसके दो कंपोनेंट्स मैंने लिए हैं. इस इंसिडेंट लाइट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर की तरफ है, उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ओके, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पेपर के प्लेन में जा रही है, मींस इट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, उसको मैं ये डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सो इट्स एन अनपोलराइज्ड लाइट, इसके पास दो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के. ये आपका इंसिडेंट रे है जिसके विच इज मेड फ्रॉम एन अनपोलराइज्ड लाइट. उसमें दो कंपोनेंट्स है, वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड वन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर. समझो अगर ये इंसिडेंट रे है, यू कैन कंसीडर ये वाला जो है इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये जो बाहर की तरफ आ रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो जो डॉट है उस डॉट को मैंने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर कंसिडर किया है, और जो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर है उसको मैंने डबल एरो से रिप्रेजेंट किया है. अब जैसे ही ये इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे गिरता है, ओके, जैसे ही दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट क्योंकि इसके पास दो कंपोनेंट्स है, अनपोलराइज्ड लाइट. जैसे ही इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे गिरता है, ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो ना तो पूरा रिफ्लेक्शन होगा ना तो पूरा रिफ्रैक्शन होगा, देयर विल बी अ पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन. ओके, लाइट थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी और थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी. So, this is refracted light and this is reflected light. अब क्या होता है? Now I'm coming to the Brewster's law. Brewster ने क्या बोला कि एक ऐसा एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, अगर आप इस अनपोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल ऐसे एंगल पे आप गिराओ जिससे क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टेड रे और आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रे इनके बीच में 90 डिग्री बने, they will make a 90 degree with each other. The reflected ray and refracted ray, अगर एक ऐसा angle of incidence होगा जिसके लिए refracted और reflected ये दोनों एक दूसरे से 90 degree बनाते हैं, if they make a 90 degree with each other. So आपका जो ये reflected light होगा ना, this one, ये जो reflected ray होगा ये पूरी तरीके से polarized होगा और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे. दिस वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना कि एक ऐसा एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिसके लिए योर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में देयर विल बी अ 90 डिग्री, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें आपको पूरी तरीके से सिर्फ इस लाइट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखने के लिए मिलेगा. जो पैरेलल कंपोनेंट होगा इस रिफ्लेक्टेड रे का पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा बाय दिस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. बट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इट विल बी टोटली पोलराइज्ड लाइट, इट विल बी टोटली पोलराइज्ड लाइट. और ये जो रिफ्रैक्टेड वाला होगा इट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, मतलब इसमें कुछ पोलराइज्ड होंगे कुछ अनपोलराइज्ड होंगे. रिफ्रैक्टेड रे विल बी अनपोलराइज्ड और पार्शियली पोलराइज्ड बोल सकते हैं इसको, पूरी तरीके से पोलराइजेशन नहीं होगा इनका. ओके, सो दिस इज व्हाट इज ब्रिस्टल्स लॉ.
क्रिस्टस ने बोला कि एक ऐसा एंगल थीटा आई आएगा, एक ऐसा एंगल होगा जिस पे अगर आपने एक इस लाइट को अगर आपने एक इंसिडेंट रे को गिराया किसी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस पे, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पूरी तरीके से पोलराइज्ड होगा और उसके अंदर सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, जो इसके पैरेलल कंपोनेंट्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा इट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। दिस लॉ इज नोन एज ब्रिस्टर्स लॉ, इसको ब्रिस्टर्स ने फाइंड किया था और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये होता है उसको हम ब्रिस्टर्स एंगल बोलते हैं, वी से दैट एज ब्रिस्टर्स एंगल थीटा बी। सो हाउ ब्रिस्टर डिफाइंड इज डिफाइंड इज लॉ, ही सेड दैट दैट फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई विच विल बी इक्वल्स टू थीटा बी, we will observe that the reflected ray and refracted ray will make 90 degree with each other. ये जो reflected ray और refracted ray है ये 90 degree बनाते हैं एक दूसरे से, it makes 90 degree with each other. And you will find that reflected ray will be totally polarized whereas refracted ray will be partially polarized. And the condition you will get is theta b plus theta r is equals to 90 degree. ये एक और condition है, ये जो आपका angle of incident होगा theta b और ये जो angle of refraction होगा theta r, अगर आप इन दोनों को भी add करो तो you will get 90 degree. This is the condition. First condition is आपका जो reflected और refracted ray है it will make 90 degree. दूसरा condition is कि ये जो angle of incidence है that is theta b, जिसको हम theta b बोलने वाले, which is your Brewster's angle, ये थीटा बी और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा थीटा आर, ये दोनों मिलाकर एक दूसरे को 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। बना रहे क्या? लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। दिस इज थीटा बी, करेक्ट? दिस विल बी 90, सॉरी दिस विल बी आल्सो थीटा बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, सो ये भी थीटा बी हो जाएगा। दिस पार्ट विल बी 90 माइनस थीटा बी, ये पार्ट जो होगा 90 माइनस थीटा भी होगा। दिस इज थीटा आर, तो ये पार्ट भी क्या होगा 90 माइनस थीटा आर, और ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे 90 डिग्री। सो लेट्स गो अहेड, दिस इज 90 माइनस थीटा बी प्लस 90 माइनस थीटा आर इज इक्वल्स टू हाउ मच 90 डिग्री, दे आर फॉर्मिंग 90 डिग्री। दिस इज अ कंडीशन फॉर योर परफेक्ट टोटल पार्शियल, सॉरी टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे। सो व्हाट यू विल फाइंड, 90 प्लस 90 इज 180 माइनस थीटा बी माइनस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस गोज हियर, सो थीटा बी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यू विल फाइंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन will give you 90 degree. So when these conditions are followed, then you get totally polarized reflected light and partially polarized refracted ray. This is what you get. And this is what is Brewster's law. और जिस angle पे ये चीज देखने के लिए मिलती है, that angle is called as Brewster's angle. उसको theta b बोला जाता है. Now let's try to prove something else. कुछ formula इससे मिला है हमको. Let's try to find कि theta b कैसे निकाल सकते हो किसी एक substance के लिए, किसी दो refractive index के लिए. Now we know according to the law of refraction, n1 sin of theta i मतलब यहाँ पे theta b हो गया, correct? Angle of incidence यहाँ पे Brewster's angle है. n1 sin of theta b, n2 sin of theta r is angle of refraction. Let's go ahead. इसको यहाँ लेके जाते हैं. Sin of theta b by sine of theta r is equals to n2 by n1. So, हमको पता है यहाँ से अगर हम निकाले theta r is what? 90 minus theta b. So, sine of theta b upon sine of 90 minus theta r is equals to n2 by n1. So, let's go ahead. Sine of theta b upon sine of 90 minus theta b is equals to theta r was 90 minus theta b.
because theta r plus theta b is 90 degree is equals to n2 by n1. So, sine of 90 minus theta b is cos theta b. So sine of theta b upon cos of theta b is equals to n2 by n1. So sine theta b cos theta b is 10 theta b. So 10 theta b is equals to n2 by n1. So theta b is equals to 10 inverse of n2 by n1. So Brewster's angle, this theta b is known as Brewster's angle. जिस पे आपको ये फिनोमिना मिलता है कि योर रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रेक्टेड रे मेक्स अ 90 डिग्री विद ईच अदर, वेयर एज रिफ्लेक्टेड रे इज टोटली पोलराइज्ड लाइट हैविंग कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड रिफ्रेक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड. दिस इज व्हाट इज ब्रिस्टर्स लॉ एंड दिस एंगल एट विच यू गेट दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्रिस्टर्स एंगल विच यू कैन कैलकुलेट बाय 10 इनवर्स ऑफ n2 बाय n1. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. फिर इसका एप्लीकेशन बताती हूं. If you have any doubt, please ask. Otherwise, we will go ahead with the application. कि कहाँ पर use होता है? Miss. बोलो. एक doubt था. बोलो. वो diagram दिखाओ ना. इसमें से जो ये refracted partially rays वो rays हमारे आँखों से देखे जाते हैं ना? हाँ, वो आपके आँखों पे strike करती है. Actually आप बहुत सारे फिनोमेनास को मिलजुल कर देखते हो. ठीक है, अभी मैं वो जब आपको एप्लीकेशन समझाऊंगी ना तो आपको समझेगा हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं. सी, जब आपका जो आपका स्पेक्स होता है उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है, इसलिए आप अपना फेस देख पाते हो. अगर आप किसी के चश्मे के सामने खड़े हो तो यू कैन सी द फेस ऑफ योर सेल्फ. क्यों? क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना दोनों होता है. जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो अंदर की तरफ जाती है, जो रिफ्लेक्टेड होती है वो बाहर की तरफ जाती है, टकराकर बाहर की तरफ निकल जाती है. ओके, अब यही फिनोमिना हम यूज करके हम ट्राई करने वाले हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है ना, ये पोलराइज होके निकले, मतलब इसकी बाकी की इंटेंसिटी ब्लॉक हो जाए. मैं आपको आगे की तरफ मैं जब एप्लीकेशन समझाऊंगी तब आपको डीप में समझाऊंगी कि व्हाट वी यूज वेयर वी यूज दिस फिनोमिना. ये फिनोमिना हमने यूज कहाँ पर किया हुआ है फॉर आवर सेल्फ. अभी फिलहाल ये समझो, यहाँ पर सब कुछ समझा गया? यस मिस. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. काजल, कुछ डाउट है तो पूछो. बाकी जो भी लोग हैं कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज. मुझे कुछ लोगों के ही नाम याद है, बाकी लोग भी कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो. राहुल, कुछ पूछो, कुछ डाउट है तो. समझा मिस. हेलो मैम, क्लियर है? हाँ बोलो मैम. एक और एग्जांपल दे सकते हो क्या? I'm coming to the examples. हम application की तरफ आएंगे. We'll come to the examples. Yeah, okay. का use हम कहाँ करने वाले हैं? We will go ahead with example. Why this Brewster angle को इतना value दी गई आज के time में? Why it is important? We will go ahead with that. So सबको clear है? What is Brewster's law? Brewster's law is that in which when your angle of incidence becomes equals to the angle of that is Brewster's angle, you will find that your reflected wave is completely polarized. And your refracted ray is partially polarized. You, whereas your reflected ray consists of components which are perpendicular to the plane. ऐसे components मिलेंगे जो perpendicular है, जो parallel वाले component है वो absorb हो जाते हैं. सिर्फ perpendicular वाले दिखते हैं आपको. And at this particular condition is found when you have your refracted ray and reflected ray. This both, sorry, reflected ray and refracted ray are making an angle 90 degree with each other. And this also proves that the angle of incidence, that is theta b, and the angle of refraction will also make 90 degree with each other. The addition of two will give you 90 degree with each other. And you get the Brewster's angle as theta b is equals to 10 inverse of n2 by n1. Ek condition aapne aur padhi thi, which was critical angle, theta c. Iska bhi use hum log bahut karne wale hain. Kuch yaad hai theta c ke bare mein? IC. Jab koi angle of incidence क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो आपको कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है, वहां पे बिल्कुल रिफ्रैक्शन नहीं मिलता. एंड दिस फिनोमेना इज व्हेन यू गो फ्रॉम डेंसर मीडियम फॉलो. क्रिटिकल एंगल के बारे में किसी को कुछ याद है कि नहीं? इसका यूज हम करने वाले हैं. ये दो चीज ना बहुत फेवरेट है लोगों को पूछने के लिए, डिस्टेंस एंगल एंड क्रिटिकल एंगल. क्या
क्या सत्ता होता है मिस? अगर ये कैसा एंगल है? यस बोलो। हाँ मिस बताओ। नहीं मिस मिस बताओ आप। नहीं लो गो अहेड। मैं एक्चुअली ये चीज आप लोगों से ही पूछने वाली थी कि क्रिटिकल एंगल क्या है, आपको याद है कुछ क्रिटिकल एंगल के बारे में? क्रिटिकल ब्रिस्टर तो मैंने बता दिया, ब्रिस्टर वो एंगल है जिसपे आपको टोटली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मिलती है, एंड दैट्स फार्मूला इज गिवन बाय tan थीटा बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ n2 बाय n1। क्रिटिकल वही ना जहां रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है। रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती मतलब वही मीडियम में रहता है। मुझे एक परफेक्ट एग्जांपल दो, ऐसे बच्चों जैसे आंसर मत करो मुझे। हाँ बोलो अभिषेक, कुछ याद है क्रिटिकल एंगल क्या था? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, कोई बता सकता है? अमला, अश्विनी, हेलो मैम, हेलो मैम, पूल का एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर टैंक। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल वाटर का ले सकते हैं ना। हेलो, हाँ हाँ बोलो अभिषेक, आई एम लिसनिंग। हाँ क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, इंसिडेंट एंगल का वो एंगल जिसपे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो। एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट फिनोमेनन, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है, ये वो एंगल है जहाँ पर आपको सारी रेज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हुए मिलती है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला बताओ जरा, कैसे कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला? साइन ऑफ थीटा आई जो होता है वो थीटा सी के बराबर हो जाता है, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा सी हो। साइन ऑफ थीटा सी, अभी मुझे अभिषेक ने बताया कि मैम रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो 90 डिग्री होता है, साइन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन, सो देयरफॉर साइन ऑफ 90 इज 1, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन, सो थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एन टू बाई एन वन। यही था ना? पहले ही बोला, यही था ना कुछ? अभिषेक ऐसा ही कुछ था? हाँ मैम। So this is your Brewster's law, Brewster's angle, and this is your critical angle. Critical angle sine inverse of refractive index से निकाला जाता है, और Brewster's angle tan inverse of refractive index से निकाला जाता है। Critical angle पे आपको total internal reflection मिलता है, जिसकी वजह से rainbow formation होता है, और Brewster's angle पे आपको totally polarized reflected ray मिलता है, और उस polarized ray में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है वो बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब इसका एप्लीकेशन इज द लास्ट पार्ट फॉर। बोलो मिस, आपने बोला था कोई भी रे पूरी तरीके से पोलराइज नहीं होता, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, दैट्स ट्रू। आप जो उसको देख पा रहे हो, सुनो, जो आप उसको देख पा रहे हो कुछ अमाउंट आपकी आंखों पे आके गिर रहा है ना, अगर वो एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाता तो आपकी आंखों पे आके कुछ गिरता ही नहीं, आप उसको देख ही नहीं पाते, कोई चीज आपकी आंखों पे नहीं आके गिरती, परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, स्कैटरिंग होती ही है, समझा? जो आप लेजर भी देख, आप लेजर देख पा रहे हो उसका मतलब लेजर का कुछ अमाउंट आपके आंखों पे आके गिर रहा है, कुछ कंपोनेंट आपके आंखों पे आके गिर रहा है, आप देख पा रहे हो उसको, ठीक है? तो जो चीज आप देख पा रहे हो उसका मतलब ये है कि कुछ कंपोनेंट्स उसके और भी डायरेक्शंस में गए हैं, जिनको आप जो आपकी आंखों से रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बट स्टिल हम लोग अगर उनको एक डायरेक्शन में फिक्स कर देते हैं, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, इससे इट इज पोलराइज्ड। ओके, अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? सनग्लासेस का जो ग्लेयर होता है, सनग्लासेस का जो ग्लेयर होता है, अब ये ग्लेयर क्या है ये बहुत लोगों को नहीं समझेगा। कभी आप नॉर्मल सनग्लासेस लो और जो टाइटन वगैरह के सनग्लासेस आते हैं वो लो, सनग्लासेस लो या आपके स्पेक्स लो, स्पेक्स से आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। कुछ लोगों का जो चश्मा होता है उस चश्मे में आपको पूरी तरीके से जो भी सामने पर्सन खड़ा है ना उसका आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, वो चश्मा अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है, ठीक है? इट इज रिफ्लेक्टिंग। अगर आपको पूरा का पूरा सेम कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है पर्सन का इस चश्मे के अंदर, सो दैट स्पेक्स आर नॉट गुड। वहीं पे कुछ स्पेक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर आप देखो तो उनके अंदर रेड कलर, ग्रीन कलर ये देखने के लिए मिलता है, मतलब अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा है तो उसको अगर वो धूप में जा रहा है तो उसको ये रेड कलर ग्रीन कलर में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया है, बाकी सारे कलर्स को ब्लॉक कर दिया, सिर्फ वो किसको कंट्रोल नहीं कर पाया, रेड कलर को कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब उसने पोलराइज कर दिया लाइट को, उसने बहुत सारी इंटेंसिटी अब्सॉर्ब कर ली है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है वो, सिर्फ वो जिनको कंट्रोल नहीं कर सकता वही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है,
तो ये जो कलरफुल वाले होते हैं ना कि जब आप धूप में निकलते हो और आपका चश्मा कलरफुल हो जाता है, दे स्पेक्स आर गुड, महंगे होते हैं, इनके अंदर इट इज एंटी ग्लेयर स्पेक्स, इसको एंटी ग्लेयर स्पेक्स बोला जाता है। इसके अंदर होता है, इसके अंदर आपको रेड कलर ग्रीन कलर में खड़े होते हैं, आपको रेड कलर ग्रीन कलर दिखाई देगा जो पर्सन बाहर खड़ा है उसके लिए, क्योंकि ये स्पेक्स क्या करते हैं, आपके लाइट को पोलराइज कर देते हैं। बोलो, अगर हम ब्लैक बॉडी जैसा चश्मा बनाए तो क्या मीनिंग नहीं है उसका, क्या करोगे ब्लैक बॉडी जैसा चश्मा बनाए, अरे वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा ना, लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट रिफ्लेक्ट भी तो नहीं कर रहा है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तुमको, तुम्हारे आंखों तक को कुछ आने ही नहीं देगा वो। हाँ तो वही तो चाहिए ना हमें। अरे बिल्कुल लाइट नहीं चलेगी तो कैसे चलोगे, अभिषेक गिर जाओगे टकरा के। अच्छा। तुमको तो आमने को दिखेगा ही नहीं, सब काला हो जाएगा। कौन सा? वो जो एज ओल्ड एज पीपल पहनते हैं। नहीं, नॉर्मल वाले भी पहन सकते हैं। दिस वन इज गुड। आपको एंटी ग्लेयर का ही चश्मा लेना चाहिए। वो एंटी ग्लेयर का चश्मा क्या करता है, जो भी लाइट आपकी आंखों पे गिर रही है ना उसको वो पोलराइज कर देता है, पूरी इंटेंसिटी आपकी आंखों पे नहीं आने देता वो, और ना ही पूरी इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत सारे कंपोनेंट्स को। तो आपका जो चश्मा है, ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल और कहाँ देख सकते हो, जब आप जो लोग चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, स्पेक्स वाले जो लोग हैं जिनको चश्मा लगाकर फोटो खींचने का शौक है, उनके स्पेक्स में जब वो खड़े होते हैं अगर वो एंटी ग्लेयर स्पेक्स नहीं है तो उनकी आंखें उसमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ फ्लैश लाइट दिखाई देता है। ठीक है, जिनका नॉर्मल चश्मा होता है अगर वो खड़े होकर फोटो खिंचवाए तो उसके अंदर फ्लैश लाइट दिखाई देती है। आपको बोलता है आपका जो कैमरा मैन है कि प्लीज ये चश्मा निकाल दो और फिर फोटो खिंचवाओ, बट जो एंटी ग्लेयर वाले होते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो लाइट इनके ऊपर गिर रही थी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ ही अमाउंट को लाइट को बाहर जाने देते हैं, तो ये बहुत साफ सुथरा चश्मा होता है, इसमें लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके चमकीला जैसा इंटेंसिटी क्रिएट नहीं करती। मिस ऐसे नॉर्मल दो चश्मा दे दिया तो उसमें पता कैसे चलेगा कौन सा एंटी ग्लेयर है? आराम से पता चल जाता है, आप धूप में खड़े हो जाओ, धूप में खड़े होने के बाद जो ग्लेयर वाले चश्मे होते हैं ना उनका कलर ही अलग हो जाता है, उनके अंदर रेड कलर का आपको रेड कलर का रिफ्लेक्शन, ग्रीन मेरे पास एंटी ग्लेयर का चश्मा था बट आई डोंट नो वेयर इट इज, तो ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन, रेड कलर का रिफ्लेक्शन, आपको आप जब चश्मा खरीदने जाते हो आपको सामने से पूछेगा आपको ग्लेयर वाला चाहिए आपको एंटी ग्लेयर वाला चाहिए, अगर आपको एंटी ग्लेयर वाला चाहिए आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, बिकॉज़ इट कंसिस्ट ऑफ पोलराइजर्स, उसके अंदर शेड्स ना, शेड्स बोलते ना मैम। हाँ, अब बोलो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली पता नहीं, मेरे को तो ग्लेयर और एंटी ग्लेयर के टर्म में ही पूछा था। हाँ, आपको ग्लेयर वाला चाहिए आपको एंटी ग्लेयर वाला चाहिए, ओके, ये यहाँ पे यूज होता है। दूसरा आपका जो सनग्लासेस होता है उसमें तो यूज होता ही है, ये तो आपको भी पता है कि आप धूप में सनग्लासेस इसीलिए पहनते हो कि आपकी आंखों पे इंटेंसिटी कम है, तो वहां पर पोलराइजर का फिनोमिना यूज किया जाता है जिससे जो भी लाइट आपकी आंखों पर आ रही है उस लाइट का सर्टेन अमाउंट जो है वो एब्सॉर्ब हो जाए और कुछ ही अमाउंट या रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ ही अमाउंट आपकी आंखों पे आकर गिरे। दिस इज व्हाट हैपेंड, जो पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे वो आंखों पे आके गिरेंगे, बाकी सारे कंपोनेंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रिस्टल्स एंगल। ब्रिस्टल्स एंगल का यूज आपके ग्लासेस के ग्लेयर को, आपके ग्लासेस का जो धुंधलापन है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है, एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज किए जाते हैं, वहां पर ब्रिस्टल्स एंगल का यूज किया जाता है। ओके, नाउ ग्लेयर के बारे में अगर अच्छे से देखना है तो गूगल पे सर्च करना, पता चल जाएगा व्हाट आर ग्लेयर ग्लासेस एंड व्हाट आर एंटी ग्लेयर ग्लासेस। ग्लेयर ग्लासेस जो होते हैं वो लाइट में बहुत धुंधलापन दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा होता है। ओके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा होता है। अगर आप इस चश्मे को ध्यान से देखो, कैन यू ऑब्जर्व, इसके अंदर एंटी ग्लेयरिंग यूज की है, इसके अंदर आपको अगर मैं ये पेन रख रही हूँ आपको पूरा प्योर रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है आपको इसके अंदर, कैन यू सी द पार्ट? सो दिस इज एन एंटी ग्लेयर, ये बहुत ही व्हाट वी कैन से, यहाँ पर ये जो अंदर क्रिस्टल्स यूज किए गए हैं इसके अंदर, वो क्रिस्टल्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते हैं, सिर्फ उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि रेड कलर, ब्लू कलर, इनका वेवलेंथ बहुत हाई होता है तो इनको कंट्रोल कर पाना इज नॉट दैट इजी, यू नो दैट। सो ग्लेयर ग्लासेस एंड एंटी ग्लेयर ग्लासेस करके आप गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। मिस आपने क्या बोला, वो ब्लू लाइट का ज्यादा होता है वेवलेंथ? ब्लू लाइट नहीं बोला मैंने, मैंने रेड लाइट बोला, पिप ग्योर, ब्लू लाइट नहीं होता।
रेड वन, रेड ऑरेंज येलो, ये कंडीशन. एक्चुअली येलो तक जाता ही नहीं है, मोस्टली रेड और ऑरेंज ही पीछे रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, ये भी स्कैटर हो जाते हैं जल्दी. ओके लेट्स गो एड विद द नेक्स्ट, दैट इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, जो आपके सनलाइट में होती है. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर थियरी, फ्रॉम वेव थियरी ऑफ लाइट. पोलराइजेशन ऑफ बाय स्कैटरिंग, इसके बारे में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जब आपके सन से लाइट बाहर की तरफ निकलती है, जब आपसे आपके सन से लाइट बाहर की तरफ निकलती है, होता क्या है कि जो भी आपके अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स और डस्ट प्रेजेंट है. अब ये लाइट क्या करती है, जो भी लाइट आ रही है वो उसको स्कैटर कर देती है, दिस स्कैटर इटसेल्फ, स्कैटरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपको आपका स्काई ब्लू कलर का दिखता है. इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि विब्योर में ये जो ये वाले वेवलेंथ है ये बहुत साइज में छोटे होते हैं, तो इनको स्केटर कर पाना बहुत इजी होता है. ये फटाक से स्केटर हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं, टकरा टकरा कर ये फैल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पूरा स्काई है वो ब्लू कलर का देखने के लिए मिलता है. फेरस जब सनराइज या सनसेट होता है आपको रेड कलर इसीलिए देख पाते हो आप, क्योंकि ये जो होता है ये जल्दी किसी से कंट्रोल नहीं होता, ये फटाफट रिलीज होता है. ये पूरा स्काई, ये वाला जो पार्ट है ये फटाफट बाहर निकल जाता है, ये ज्यादा स्केटर नहीं होता. आपका जब सनसेट होता है, सनसेट के टाइम पे आपको पूरा रेड कलर इसलिए ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है क्योंकि ब्लू कलर बहुत ज्यादा स्कैटर हो चुका होता है. सो जो आप देख पाते हो, मोस्ट ऑफ द स्कैटरिंग फैल चुकी होती है, बहुत दूर दूर तक फैल चुकी होती है, तो आप जो देख पाते हो वो सिर्फ रेड कलर देख पाते हो एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, ठीक है. बट आपके स्काई के ब्लू कलर होने का रीजन यही है कि ये जो लाइट सनराइज से जो लाइट आती है, इट गेट्स स्कैटर्ड ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ योर atmosphere, so you get a polarization by scattering. अब ये करता क्या है, यहाँ पर भी अगर आपका sunray, आपका जो sunrise होता है, अब एक चीज और उससे पहले एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये बहुत सारे rays यहाँ से आ रहे हैं, हमारे atmosphere से टकरा रहा है, और सारे ये जो air molecules है इन्होंने क्या किया, scattering कर दी. अब वो क्या कर रहे हैं, इस रे ऑफ लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स कर रहे हैं, अगर आप देखो तो. सो आपकी जो सनलाइट होती है ना वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, इट इज पोलराइज्ड. अगर आप एक पोलराइजर लो, ठीक है, इफ यू टेक वन पोलराइजर और उसको लेकर उसके थ्रू आप ऑब्जर्व करो सनलाइट को, इन रेज को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, क्या फाइंड करोगे कि एक ऐसा एंगल आएगा जहां पर आपको इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी सनलाइट की, और फिर उसको घुमाते जाओ, आपको एक ऐसा एंगल मिलेगा जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देगा. ये चीज ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके जो सनरेज आ रहे हैं ना वो भी एक डायरेक्शन में पोलराइज हो जाते हैं इन एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से. तो अगर आप एक पोलराइड लेके, अगर आप उस पोलराइड के थ्रू इनको देखने की कोशिश करो, एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे ये दोनों जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे आपको बिल्कुल रेज दिखाई नहीं देगी, इट विल बी टोटली ब्लैक. सो स्कैटरिंग की वजह से पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, ये सारे लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करता है दिस एयर मॉलिक्यूल्स. ऑफकोर्स इसका अमाउंट बहुत ही रैंडम होता है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे, इट विल बी वेरी रैंडम होगा ये. सो आपकी लाइट कहीं ना कहीं इस एटमोसफियर की स्कैटरिंग की वजह से भी पोलराइज हो जाती है. सो दैट्स वाई वी से दैट इट इज अ पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. वहीं पे अगर ऐसा कुछ पोलराइजेशन हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि थीटा बी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री का कंडीशन फुलफिल हो गया, तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी ना, रिफ्लेक्ट बैक इसे टकराकर कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पाई गई है कि इट इज टोटली पोलराइज्ड. अगर ये कंडीशन कहीं से फुलफिल हो गई, तो अगर इस तरीके से रेज आकर आपके इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को टकराई ऐसे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज योर थीटा बी, तो जो रिफ्लेक्ट दो होगा, एक तो कुछ अमाउंट रिफ्रैक्ट होगा, कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, जो अमाउंट रिफ्रैक्ट होगा इट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, और जो अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, द अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, जो पीछे की तरफ चली जाएगी, ओके, दैट अमाउंट यू विल फाइंड दैट इट विल बी टोटली पोलराइज्ड. ये फिनोमिना आपके नेचर में भी ऑब्जर्व किया गया है कि इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड इन योर नेचर, यू विल फाइंड दैट द रिफ्लेक्टेड रे इज टोटली पोलराइज्ड विद अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. It will consist of a components which will perpendicular to the plane. So this is what is polarization by scattering. किसी को कुछ doubt है तो please ask. Otherwise we will stop here.
कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो, यहाँ तक में कुछ भी ऐसा है जो ना समझाओ तो प्लीज आंसर। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ब्रिस्टल्स लॉ, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझा है तो पूछो। हेलो मैम। बोलो मैम। वो पोलराइजेशन ऑफ स्कैटरिंग वो एक बार शॉर्ट में बोलो ना। पोलराइजेशन ऑफ स्कैटरिंग क्या है? जब आपका सनरेज आता है, देयर आर एयर मॉलिक्यूल्स एंड डस्ट मॉलिक्यूल्स इन योर एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं एयर मॉलिक्यूल्स एंड डस्ट मॉलिक्यूल्स, ये आपके लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर कर देते हैं मतलब एक डायरेक्शन में धकेल देते हैं। सो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि आप अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स को देखो तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे लाइट रेज जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धकेल दिया गया है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखो तो यू विल फाइंड दैट दिस ऑल लाइट इज अ पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि उनका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में फिक्स हो गया है। ओके अगर आप एक पोलराइजर लो और यहाँ पर लेकर उसको देखने की कोशिश करो, आपने पोलराइजर लिया, आपने अपना अपना एक आईज बंद करके दूसरा आईज से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करो। जब इस पोलराइजर को आप रोटेट करना स्टार्ट करोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एक ऐसा एंगल आएगा, एक जब ये पूरी तरीके से 90 डिग्री होगा इससे, जब ये दोनों एक्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी लाइट दिखाई नहीं देगी। क्योंकि ये चीज ये प्रूफ करती है कि जो आपकी रेज लाइट, रे ऑफ लाइट आती है ना सन से, वो भी पोलराइज हो जाती है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर का स्कैटरिंग। सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। वहीं पर अगर ऐसा कुछ हुआ, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया दैट इज थीटा बी, जिसको हम ब्रिस्टल्स एंगल बोलते हैं। अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या कंडीशन होता है कि थीटा बी प्लस थीटा आर अगर 90 डिग्री बना रहे, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री बना रहा है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुई है ना पीछे की तरफ, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी अंदर की तरफ जाएगी, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस एटमोसफियर में। तो जो लाइट रिफ्रैक्ट बैक होगी, वॉट यू विल फाइंड दैट दिस रिफ्लेक्टेड बैक लाइट, दिस रिफ्लेक्टेड रे इज टोटली पोलराइज्ड, और इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स होंगे वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे, बाहर की तरफ होंगे। दिस इज ऑब्जर्व फिनोमेना इन योर नेचर, कि अगर ये कंडीशन नेचर में भी फुलफिल हुआ, इस एटमोसफियर में भी फुलफिल हुआ, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो टोटली पोलराइज मिलेगा और उसके कंपोनेंट्स बाहर की तरफ होंगे। एक्चुअली इन रेज को ना ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ऐसा नाम दिया जाता है। They are called as ordinary rays and extraordinary rays. इनके बारे में बहुत deep study है आगे की तरफ। ये मैं आपको बहुत छोटा phenomena पढ़ा रही हूँ जिससे आधी चीजें आप angle कर सकते हो, आधी चीजें नहीं कर सकते। But this rays are called as ordinary rays and extraordinary rays. इनको अलग नाम दिया गया है। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा physics का theory है जिसके लिए जिसके एक्सेस को पढ़ा जाता है। Okay, so आप बस एक phenomena पढ़ रहे हो, कैसा कुछ होता है, इसका डीप एक्सप्लेनेशन आपको नहीं है। जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो अब आपको इसके डीप एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया जाएगा और इसका कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है वहाँ वो बताया जाएगा। बड़े बड़े जो आप सर ने शायद आपको एक एलएचसी का एक एक्सपेरिमेंट बताया होगा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसमें भी आपके पोलराइजर्स का बहुत बड़ा काम है और ब्रिस्टल एंगल का बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर जो मिरर्स यूज किए जाते हैं ना, उसके ऊपर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस करवाया जाता है वो इसी फिनोमिना पे करवाया जाता है। जैसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारी जगहों पे आपके ब्रिस्टल्स एंगल और पोलराइजेशन का कंसेप्ट को यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द इंटेंसिटी। सो इनके यूजेस बहुत जगह पे हैं एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंट विच इज गोइंग ऑन इन अवर साइंटिफिक वर्ल्ड। ओके सो माधुरी मैम आर यू देयर?